इसकी पहली कक्षा में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र का सिलेबस दिखाया था, ठीक। और आज से मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अर्थशास्त्र को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अर्थशास्त्र को पढ़ाना, अर्थशास्त्र का आपका बीए ललित फर्स्ट सेमेस्टर में अर्थशास्त्र फर्स्ट है, अर्थशास्त्र फर्स्ट में मैं आज पढ़ाऊंगा आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाएं। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अंग्रेजी वर्ड है, क्या है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इंग्लिश शब्द है। इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, कैसे आया और कहाँ से शुरुआत हुआ उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अर्थ, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होगा, कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स जैसा देख रहे हैं ई सी ओ एन ओ एम आई से इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स दो जगह से आया हुआ है। पहले कहाँ से, पहला है इकोनॉमिका, इकोनॉमिका ये लैटिन वर्ड है, इकोनॉमिका लैटिन वर्ड है। और ये क्या है, ओ इकोनॉमिका, ओ इकोनॉमिया, ठीक है, ओ इकोनॉमिया ग्रीक वर्ड है, क्या है ये ग्रीक वर्ड है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं ओ इकोनॉमिया क्या है, ग्रीक वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हो सकती है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड को करके प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग होते हैं, तो हो सकता है कि ये अलग हो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो, लेकिन इकोनॉमिका होगा, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बना हुआ है, इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बना हुआ है, किससे, जैसे इकोनॉमिक्स को तोड़ के बड़ा बताएंगे, दो शब्दों से बना हुआ क्या है, ओएकॉस, ओएकॉस ग्रीक, मतलब ओएकॉस मतलब होता है, अर्थ होता है इसका ग्रीक, अर्थ ग्रीक होता है। नॉम्स मतलब होता है नियम या प्रबंधन, ग्रीक प्रबंधन, ग्रीक नियम, ठीक है। ये लैटिन वर्ड के दो शब्दों से बना हुआ क्या, इकोनॉमिक्स लैटिन वर्ड के दो शब्दों से बना हुआ है, कौन से, ओएकॉस अर्थ इसका होता है ग्रीक, नोमास का मतलब होता है नियम प्रबंधन, गृह प्रबंधन, अर्थात अर्थशास्त्र मतलब गृह का प्रबंधन, ठीक। जैसा कि हम इन शब्दों को तोड़ तोड़ के आपको बताएं, ठीक। अब क्या है अर्थशास्त्र, अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, किसने कहा है, मार्शल ने, सॉरी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। प्राचीन समय में अर्थशास्त्र हमेशा धन के रूप में ही माना जाता था, लेकिन समय बदलते बदलते बहुत सी चीजें अर्थशास्त्र में इंप्रूव होती गई, ठीक है। तो गृह प्रबंधन और बदलती गई, बदलते स्वरूप में पहले क्या होता था, गृह प्रबंधन में क्या होता था, आवश्यकताएं सीमित होती हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्ति की, मनुष्य की क्या होती है, आवश्यकताएं सीमित होती हैं, सॉरी बेटा, अर्थशास्त्र में व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, सीमित साधनों में व्यक्ति को या स्टेट को अपने राज्य में या अपने घर में गृह का प्रबंधन किया, मतलब आवश्यकताओं के असीमित होने की वजह से, और साधन सीमित होते हैं तो सीमित साधनों में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करनी होती है। देखिए व्यक्ति की आवश्यकता में आवश्यकता क्या होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है, भोजन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें मेन चीज़ें आती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अर्थशास्त्र में आपको क्या होता है, अर्थशास्त्र में धन, मेनली धन को ही अर्थशास्त्र में व्याख्या की जाती है। अर्थशास्त्र
क्या होता है, गृह प्रबंध की व्यवस्था करने वाले को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र शब्द, अर्थशास्त्र शब्द मैं आप लोगों इकोनॉमिक्स का दो अर्थ बताया, एक इकोनॉमिका और एक इकोनॉमिक किया, ठीक। दो अर्थ मैंने एक ग्रीक वर्ड में बताया, एक लैटिन में बताया। अब भारत में इसका क्या अर्थ होता था, पहले अर्थशास्त्र का दो अर्थ होता है, संस्कृत में क्या होता था, अर्थ और शास्त्र, क्या होता है, अर्थ और शास्त्र, संस्कृत भाषा में अर्थ और शास्त्र। अर्थ मतलब क्या होता है, धन, शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, धन का अध्ययन, संस्कृत में अर्थ, अर्थ और शास्त्र का मतलब होता है, अर्थ मतलब धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, धन का अध्ययन, संस्कृत में क्या कहते हैं, धन का अध्ययन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन ही कहा जाता है, धन के बारे में लेन देन प्रक्रिया वक्रिया होती है और सारी चीज़ें धन से ही होती हैं, कपड़ा मकान गृह सब तो धन से ही आता है, तो ये सारी चीज़ें इस पर केंद्रित हैं, धन पर। मतलब अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन पर केंद्रित होना, धन का अध्ययन करते हैं, धन का कहाँ खर्चा करना है, धन का कहाँ उपयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है, महीने में करना है, सप्ताह में करना है, 15 दिन में करना है, ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है, धन में होती है, मनी, मनी से ही तो हम मनी बिल पास करते हैं, पूरे साल का खर्चा बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, अगल बगल स्थितियाँ बदलती हैं, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम किसका अध्ययन करते हैं, धन का ही अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र में कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी है, ठीक है। तो मनुष्य क्या क्या है, अर्थशास्त्र में किस चीज का करते हैं, अर्थशास्त्र में अध्ययन धन का करते हैं, और धन में क्या क्या आता है, धन का वितरण कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा, धन के द्वारा धन लगा के कैसे उत्पादन होगा, कितना वितरण होगा, विनिमय क्या होगा, उपभोग कैसे होगा, ये चार चीज़ों पे ही केंद्रित होती है। कैसे क्या क्या, वितरण, विनिमय, उत्पादन और उपभोग, यही तो चार चीज बेसिक चीज़ें हैं अर्थशास्त्र में, इन्हीं चार चीज़ों का उपयोग होता है। हम इन्हीं चार चीज़ों को लेके अर्थशास्त्र की पूरी खाका बना के पूरा का पूरा अध्ययन करके पूरा का पूरा साल भर का खर्चा बना के बनाते हैं। जैसे आपके घर का मुखिया है, हर महीने के राशन का खर्चा जोड़ लेता है कि कैसे होता है, कितना होता है और कितना लगता है, क्या क्या कपड़े कितने आने चाहिए, कितने राशन आने चाहिए, कितना इस साल में इतना बचाना है, इस साल में ये काम करना वो काम करना, सारे का आंकड़ा पूरा घर का मुखिया करता है, ठीक है। वही गृह प्रबंधन होता है, वही घर धन का अध्ययन होता है, धन के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, एक चीज़ें होती हैं धन का अध्ययन, ठीक है। और आगे बता रहा हूँ, जैसा कि मैं अर्थशास्त्र का अर्थ बता चुका हूँ, अब क्या है, अब आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाएं बतानी है। अर्थशास्त्र की क्या बताया है, परिभाषाएं, तो परिभाषाएं मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पर, लेकिन अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है किन किन विद्वानों ने किस किस रूप में दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, धन संबंधी परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषाएं सबसे पहले जब एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी तो उन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी थी, उसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी, उसके बाद दुर्बलता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी, फिर उसके बाद आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी। मतलब समय के साथ साथ परिभाषाओं में भी परिवर्तन होने लगा, परिभाषाएं परिवर्तित होती गई और वैज्ञानिकों का अर्थशास्त्रियों का जैसे जैसे दिमाग डेवलप हुआ, माइंड ब्रॉड होता गया, वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती गई और अर्थशास्त्र को विस्तार देते गए ये लोग। इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे अर्थशास्त्र, पहले धन के
में बताया। फिर कल्याण से संबंधी पर जोड़ा गया कि परिभाषा कल्याण भी आता है अर्थशास्त्र में। फिर सीमित साधन या दुर्बलता भी, दुर्लभता भी आती है। फिर विकास भी आता है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों की मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को ग्रोथ मिला, बढ़ावा मिला, ग्रोथ करते गए, विकास करते गए ये लोग। और इन वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्र में बहुत से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थशास्त्र को हमेशा समय के साथ परिवर्तन होता हुआ देखा गया है। परिभाषाओं से आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र में धीरे 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 बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई जो प्राचीन समय में मतलब 1776 में पहली बार जब परिभाषा दी थी तो सिर्फ धन को ही अर्थशास्त्र कहा था। मतलब धन के विज्ञान के रूप में ही अर्थशास्त्र को जाना जाता था। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है। यही सब चीजें मानी जाती थी, धन से संबंधित मानी जाती थी। फिर आप देखिए इसमें कौन कौन है अर्थशास्त्री, इसमें है एडम स्मिथ, इसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ हैं, जे बी से हैं, जे एस मिल हैं, जे बी से हैं, मतलब धन संबंधी परिभाषा देने में इन अर्थशास्त्रियों का योगदान है, ठीक है। पहले तो 1776 में एडम स्मिथ ने ही दिया है, फिर जे एस मिल ने दिया है, फिर जे बी से ने दिया। इन अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं किसकी, धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा, धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा इन अर्थशास्त्रियों ने दी है। अब कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, कल्याण संबंधी परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने, कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, सॉरी दुर्लभता या सीमित संबंधी एडिंगसन ने दी है। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, मार्शल ने दी है, किसने दी है, मार्शल। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, मार्शल ने दी है, मार्शल दी है, पीगू ने दिया है, कैनन, फिर कैनन के बाद हैं आ जाते हैं आपके विवरेस, कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, मार्शल ने दी है, पीगू ने दी है, कैनन ने दी है, विवरेस ने दी है। विवरेस ये सारे अर्थशास्त्री विदेशी हैं, ये सारे अर्थशास्त्री विदेशी हैं। इन्होंने अपने परिभाषाओं में कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं, कल्याण संबंधी में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आगे मैं परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। किसने क्या दी है, साधन सीमित साधन संबंधी परिभाषा, इसकी परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने, किसने दी है, रॉबिन्सन ने। इसकी परिभाषा किसने दी है, रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन महोदय ने दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाओं को परिभाषित किया है। मतलब इन्होंने बताया है कि साधन सीमित होते हैं, अर्थशास्त्र में साधन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन्होंने ये बताया है। और तीसरे अर्थशास्त्र चौथा है आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा में, उनमें हैं हेनरी स्मिथ सैमुएलसन, सैमुएलसन ने दिए हैं। इस देखिए परिभाषाओं को चार भागों में बांटा है
अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को चार भागों में बांटा है। धन संबंधी परिभाषा, तो इसके जनक है एडम स्मिथ, जे एस मिल, इन लोगों ने इस धन संबंधी परिभाषा दी। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? मार्शल, पीगू, कैनन, लिब्रेज ने दी, इन अर्थशास्त्रियों ने दी। दुर्बलता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा किसने दी? रॉबिन्सन ने दी है। ठीक, आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा किसने दी? हेनरी स्मिथ और सैमुएलसन ने दी। तो जैसा कि ये सारे वित्तशास्त्री विदेशी हैं, इन्होंने भी परिभाषा दी, और इन परिभाषाओं को मैं लिखवा दूंगा या इन परिभाषाओं को मैं बता दूंगा और क्या किसने क्या कहा है, ये सारी परिभाषाएं आपको विस्तार में इनकी बताई जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों को बताई जाएगी, सबकी तो नहीं संभव है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा मैं अगले टर्न पे बता दूंगा, अगले वीडियो में आपके जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या हो गए, ये विदेशी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कुछ भारतीय भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, जैसे कुछ भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया या दिया है, उनको भी मैं बताऊंगा, उन लोगों की भी परिभाषाओं को मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, वो परिभाषा क्या है, क्या है वो अर्थशास्त्री, कौन से हैं भारतीय अर्थशास्त्री, कौन कौन से हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौन कौन से हैं? शुक्राचार्य हैं, कौटिल्य हैं, प्रोफेसर जेके मेहता हैं। कौन कौन से हैं? शुक्राचार्य, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कौटिल्य, जेके मेहता हैं। जेके मेहता, इन अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया है और दिया है, लेकिन किसी भी अर्थशास्त्री की परिभाषा पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र को परिभाषित नहीं करती, क्योंकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित नहीं है। साधन भले ही सीमित है, लेकिन अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित नहीं है, और किसी एक परिभाषा को पूर्ण रूप से कोई एक परिभाषा पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र को परिभाषित नहीं करती है। इसलिए सबके देखिए, सब ने कुछ ना कुछ कहा है, सबके मतभेद हैं, सबके कुछ ना कुछ भेद हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रकार के कमी रह गई है जो परिभाषाओं में नहीं कवर हो पाई है। तो वो परिभाषाएँ हम आप लोगों के सामने पूरी तरह से नेक्स्ट टर्न को बताऊंगा, क्या कमियां हैं जिसकी परिभाषा में, क्या कमियां हैं, क्या चीज़ सही है उनकी परिभाषा में, और क्या चीज़ नहीं है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र में बताई जाएंगी नेक्स्ट परिभाषा नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भारतीय अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री में कौन कौन से हैं? शुक्राचार्य ने भी परिभाषा दी है, कौटिल्य ने भी परिभाषा, प्रोफेसर जी के मेहता ने दी है। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की बुक है कौटिल्य की, उसमें राजनीति ज़्यादा, लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दी है। ठीक है, तो हम अगली कक्षा नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे, और इनकी परिभाषाओं की व्याख्या करेंगे। जैसा कि ये सारे अर्थशास्त्री हैं, या तो मैं परिभाषाएँ बोल दूंगा आप लोगों के सामने, या परिभाषा लिखवाना तो संभव नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हम उसको कुछ ना कुछ बताते चलेंगे और कुछ ना कुछ परिभाषा बता दिया करेंगे, और इसके लिए आगे की क्लास देखते रहिएगा आप लोग। धन्यवाद।